भानु प्रताप जी, आपका एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जो अभी जो चार जो मुख्य न्यायाधीश हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है लोकतंत्र खतरे में है। तो सर, ये जजों ने इस तरीके के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे भारत को ये बताया है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में, तो ये क्या मैटर है जजों के बारे में? देखिए, मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा कि चार, थोड़ा सा बोलने में आपसे हुआ कि चार मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं, चार मुख्य न्यायाधीश एक हैं, लेकिन उनके बाद में जो सबसे सीनियर चार जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर आते हैं, उन चारों जजेस ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये जो लोकतंत्र खतरे में है ये बात कही है। मैं इसमें इतना कहना चाहूँगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद चार सीनियर मोस्ट जजेस, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें ये कहना पड़ा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, तो ये देश के लिए बहुत गंभीर मसला है। ऐसी क्या स्थिति रही कि इन जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्होंने कहा भी और चेहरे से भी दिख रहा था कि बहुत दुख के साथ में उन्हें यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है जी। लेकिन देश को यह बताना जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और उन्होंने विशेष रूप से जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने 2 महीने पहले एक चिट्ठी लिखी 7 पेज की और उसके बाद कल वो उनसे मिलने भी गए, लेकिन उन्होंने, चीफ जस्टिस ने उनको कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जी। और हार कर तब उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, वो स्थिति गंभीर तो है ही, इसके साथ साथ सबसे बड़ी गंभीरता ये है कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में संवाद की स्थिति बिल्कुल खत्म हो गई, अन्यथा ऐसा कभी हुआ नहीं दुनिया के इतिहास में और भारत के इतिहास में, न्यायिक इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो स्थिति बहुत गंभीर है। नहीं, देखिए, सीनियर और जूनियर की बात सुप्रीम कोर्ट में जहाँ तक है या किसी भी कोर्ट में है, वो दो तरह से हैं हमारी न्यायिक प्रक्रिया में। जहाँ तक जुडिशल मैटर हैं, यानी कि कोई भी मुकदमा है, जज की हैसियत में अगर कोई भी सुन रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के सभी जज एक समान हैं। जैसा उन्होंने कहा भी कि भाई जस्टिस जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, तो चेलमेश्वरम साहब ने कहा भी कि जहाँ तक न्यायिक स्थिति है उसमें सभी जज समान हैं। तो न्यायिक प्रक्रिया में सब जज समान हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में चीफ जस्टिस जो होते हैं उनको थोड़ी सी पावर होती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की परंपरा ये है कि उनके बाद में जो नेक्स्ट हैं वो भी सीनियर हैं, तो उनसे बात करके ही वो सारी प्रक्रिया उसको अंजाम देना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सुप्रीम कोर्ट की जो एक सम्मान है उसका, जो लोगों का विश्वास उसमें है, वो बना रहे, वो कायम रहे। तो सीनियरिटी का एस सच वो नहीं है, और जो व्यक्ति वहाँ फिर सीनियर उस तरह से होता है कि जैसे चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके बाद में नेक्स्ट जो हैं वो चेलमेश्वरम साहब हैं, चेलमेश्वरम जी वो नेक्स्ट चीफ हैं। तो ये स्थिति सिर्फ इसलिए है एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में, और वैसे नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया में सब लोग समान हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट पे सभी जो भरोसा करते हैं कि यार ये जो न्यायपालिका है सबसे बड़ा घर है, आज वहीं से चिंगारी उठना स्टार्ट हो गई है। नहीं, बिल्कुल बात है, और मैं इसमें ये कहूँगा मेरी तरफ से चारों जजेस, जस्टिस चेलमेश्वरम जी, जस्टिस रंजन गोगोई साहब, जस्टिस मदन बी लोकुर साहब और जस्टिस जोसेफ साहब, मैं तो अपनी तरफ से उनको बहुत बधाई दूंगा, नमन करता हूं ऐसे जजेस को कि जब पूरा देश खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है और चीफ जस्टिस अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो कई मुकदमों के विषय में उन्होंने इंडिकेशन भी दिया है, अपने पत्र में भी उन्होंने कहा है, इतनी गंभीर स्थिति को उन्होंने देश के सामने रखा, तो उन्होंने कहा भी कि देश का ऋण है जिसे हम चुका रहे हैं, तो वाकई में देश को उनका ऋणी होना चाहिए कि जो सबसे बड़ी न्याय की संस्था है, जहां से न्याय की उम्मीद है, व्यक्ति कहीं भी नीचे अगर उसे न्याय नहीं मिलता तो उम्मीद यही करता है कि भी कम से कम मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा
और वहाँ व्यक्ति जब ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस सीनियर मोस्ट जजेस कह रहे हैं कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और चीफ जस्टिस साहब अपनी मर्जी से जो मुकदमे जहाँ जिस बेंच को चाहते हैं वहाँ वो भेज देते हैं, वहाँ भेजने का क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो जजमेंट वो चाहते हैं, जो ऑर्डर वो सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं, जिसके भी पक्ष में चाहते हैं, वो करा रहे हैं। तो इन हालात में देश कितने बड़े खतरे से गुजर रहा है, उनमें कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं है, लेकिन उन्होंने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हालात हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला देश के हर व्यक्ति पर, हर प्राणी पर, देश की सुई की नोक बराबर जमीन पर उसका लागू होता है, उसका अधिकार है। और ऐसे हालात में जिससे पूरा देश प्रभावित होता है, उस संस्था में अगर कोई मनमाने तरीके से जजमेंट ले लिए जाए, ऑर्डर ले लिए जाए और उसको लागू किया जाए, तो देश पर उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि उन्होंने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। और ये बहुत बड़ी अभूतपूर्व स्थिति है, ऐतिहासिक स्थिति है कि उन्होंने ये बेहतर समझा कि जब यहाँ हमारी बात सुनी नहीं जा रही तो हम जनता के सामने बात रखें, फिर जनता और जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में जो सोच रखने वाले लोग हैं उनके सामने ये बात आए और वो इस बात पर निर्णय लें। और अगर सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर मोस्ट जजेज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो भी चीफ जस्टिस पर मनमाने तरीके से काम करने का आरोप लगा रहे हैं, और आरोप बड़े संगीन हैं कि आप चीफ जस्टिस जो है जिस केस को जहां चाहते हैं उस बेंच में वहां भेज देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता, न्याय जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बनी है, जानी जाती है, जिसमें लोगों का विश्वास है, वो निश्चित रूप से डगमगाया हुआ है। अगर आज ये बात ये कह रहे हैं तो जस्टिस कर्णन ने भी तो लगभग एक साल पहले यही बात कही थी, चिट्ठी लिखकर बात कही थी। आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो उस समय हालात, अब ये जरा ये बात सोचने की है, देश भी इसको सोचे, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को सोचे, सभी जागरूक और जो विद्वान लोग हैं वो भी इस बात को सोचें कि भाई यही बात तो भ्रष्टाचार की बात तो जस्टिस कर्णन ने कही थी, तो क्यों फिर उनके खिलाफ सब कुछ हो गया और फिर उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के आरोप में 6 महीने की जेल भेजी गई, क्यों? और वही बात आज ये जो चार जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामान्य जजेस, इनको कहनी पड़ी। तो स्थिति बहुत गंभीर है, इसलिए अगर भ्रष्टाचार के विषय में कोई आरोप लगाता है तो मैं समझता हूँ उसको गंभीरता से लेना चाहिए और देखना चाहिए, उसकी जड़ में जाना चाहिए कि आखिर ये भ्रष्टाचार कहाँ तक है और किसकी वजह से है, और उस जड़ को खोज के उसका निदान करना चाहिए और जो भी अपराधी हों उनको दंडित करना चाहिए। जस्टिस कर्णन ने यही कहा था और आज यही बात जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं यही कह रहे हैं जी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानता, मैं इसके विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि इन चारों जजेस ने देश के प्रति बहुत बड़ा ऋण अपना चुकाया है और देश को इनका सम्मान करना चाहिए। और इनके खिलाफ की बात तो सोचने की बात ही गलत है कि इनके खिलाफ क्या होगा, देश को तो इनका सम्मान करना चाहिए। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो अंदर प्रक्रिया जो हो रही है उसको सामने रख दिया। देखिए मैं इसमें इतना और कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ये बात कहते हैं कि भाई इन्हें बाहर नहीं कहना चाहिए था, अंदर ही अंदर बात निपटानी चाहिए थी आपस में बैठ के। तो क्या मतलब यह है कि अगर भ्रष्टाचार चल रहा है जी, उस भ्रष्टाचार को, उस बेईमानी को आप अंदर ही अंदर जो भी है सेटलमेंट कर लें, उसको जनता के सामने न लाने दें, जनता को नहीं पता लग पाए कि जो न्याय की सबसे बड़ी अदालत है, जो सबसे बड़ी संस्था है, उसमें भी ये हाल हो रहा है। इस देश का दुर्भाग्य है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बैकवर्ड समाज के जो लोग हैं उनके प्रति अन्याय हमेशा होते रहते हैं, हमेशा जी। अब ये जो कल इन चार जजेस ने मसला उठाया है, इसमें एक मसला वो भी है कि जस्टिस कर्णन के खिलाफ जो बेंच बनी उसमें भी किस जजेस को रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए, उसको भी जो उसमें ये मसला उसमें भी उठा है, इन चारों जजेस ने भी उठाया है। तो ये बात जरूर आती है, हर कोई सोच सकता है यार उसे शायद इसीलिए सजा दे दी गई क्योंकि वो अनुसूचित जाति और जनजाति से है, एससी एसटी समाज से है, अगर वो किसी सवर्ण समाज से होता शायद उसे सजा नहीं मिलती। तो कोई भी ये बात सोच सकता है। सर मेरा मानना यही है कि जब भ्रष्टाचार की बात चल रही है और भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं और ये चार जजेज ने भी यही बात की है और वो कर्नल साहब ने भी बात की थी, तो मेरा कहना ये है कि जो उन पे ला लगा था वो ला इनपे भी लगेगा। नहीं देखिये, ये फैसला
तो क्या ला लगेगा नहीं लगेगा, इसका फैसला तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ही करे। लेकिन मेरा एक इसमें व्यक्तिगत मेरा विचार है, दो मेरे विचार हैं कि ये बहुत गंभीर मसला है जी, और माननीय चीफ जस्टिस जी को नैतिक आधार पर तुरंत इसी पर देना चाहिए। और इसके साथ साथ जो सवाल उन्होंने उठाए हैं चारों जजेस ने, उनकी बिल्कुल तह तक जाकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि इससे अगर वो लोकतंत्र खतरे की बात सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं तो मामला बहुत गंभीर है। तो उसकी बिल्कुल एक हाई पावर कमेटी बना के, चाहे सुप्रीम कोर्ट स्वयं सारी फुल बेंच बैठे और वो सारे मसले को देखे, सारे मसले की जांच पड़ताल करे, सब कुछ हो, लेकिन उसकी डेप्थ में जाना चाहिए कि आखिर मसला क्या है, क्यों इतना सब कुछ हुआ है, और उसको जाके खोज के जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा ये सारी चीजें चलती रहेंगी और देश की जनता जो केवल बेचारी सिर्फ तमाशा देखने भर की जो एक दर्शक बन के रह गई है, वो इसी तरह से दर्शक बनी रहेगी। और ऐसी संस्थाएं जहां सबको न्याय मिलता है, जहां से उम्मीद होती है जनता को, वो सारी की सारी जो है उसकी उम्मीदें सब धूमिल हो जाएंगी और जनता पिसती रहेगी। तो गहराई में जाके सच्चाई पूरी पता लगे, दोषियों को दंडित किया जाए, मेरा मानना ये। देखिए, हम भी कई मंचों से ये सवाल उठाते रहे हैं कि देश का संविधान खतरे में है, और हम तो खैर हम या कोई भी सामाजिक लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, वो न्याय व्यवस्था को लेकर नहीं उठाते रहे, क्योंकि न्याय व्यवस्था में उनका विश्वास है कि कहीं भी ना हो तो कम से कम अदालत से तो न्याय मिलेगा जी। लेकिन अब तो वहां से भी सवाल खड़ा हो गया। तो हम लोग तो उठाते रहे हैं कि भाई जैसे भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में जो सरकार है या राज्यों में जो सरकार है, और वर्तमान केंद्र की जो सरकार है, भाजपा की सरकार है जिसके मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इनकी वजह से देश के संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। और अब जो बात सुप्रीम कोर्ट ने उठाई है, तो हम सभी जो लोग हैं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हैं, देश के किसी भी कोने से हैं, किसी भी मंच पर वो आवाज उठाते रहे हैं, तो उनकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन बात मानी नहीं जाती। और अब सब लोगों की समझ में आ रही कि वाकई देश के लोकतंत्र को खतरा है, और देश के लोकतंत्र को खतरा है मतलब संविधान को खतरा है जी। तो जब संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस को बैठ के इसकी डेप्थ में जाना चाहिए, पूरी गहराई से जांच हो, और जो भी दोषी हो उनको दंडित किया जाए, ताकि जनता का विश्वास जो अदालत में बना रहे, देश के सर्वोच्च न्यायालय में बना रहे, और देश का संविधान और लोकतंत्र बच सके। जस्टिस टीएस ठाकुर साहब जिस समय जो चीफ जस्टिस थे, पहले इनसे पहले और उससे पहले भी ये बातें मुख्य न्यायाधीश किसी ने तो, जस्टिस टीएस ठाकुर साहब ने तो अपने पद पर रहते हुए भी उठाई, बाकी और भी जो पूर्व जजेस रहे उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ये बात उठाई कि हम पे दबाव रहता है, हम भी दबाव में काम करते हैं। तो ये बहुत दुखद स्थिति है कि हमारी जो सर्वोच्च न्यायपालिका है जी, वो भी दबाव में काम करती है। तो दबाव किसका हो सकता है? दबाव आपका या मेरा तो नहीं हो सकता जी। दबाव साधारण जनता आम आदमी का तो है नहीं। दबाव अगर होगा तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार का होगा, और आज वही स्थिति है। तो इसका मतलब ये है कि केंद्र की सरकार का यहाँ हस्तक्षेप है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है जी, जी, जी। और अगर ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं तो साफ हो जाता है कि केंद्र का हस्तक्षेप है, और अगर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप न्यायपालिका में होता है तो इससे बड़ी दुखद और गंभीर घटना कोई नहीं हो सकती। इसे जितनी जल्दी सुलझाया जाए उतना अच्छा है। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि सरकार जिस मुद्दे को खत्म करना चाहती है, या जिस मुद्दे में अपने हक में जो है फैसला चाहती है, उस मुद्दे को सरकार जो कोर्ट में भेजती है। जैसे ये परंपरा जो है कोर्ट की तरफ भेजने की तरफ परंपरा मुख्य रूप से जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे उस समय से ज़्यादा चली कि कोई भी मसला हो उसको भेज दो। अब कोर्ट में मसला जाने से क्या होता है? कोर्ट में मसला गया तो आप सरकार से नहीं लड़ सकते आप जी, क्योंकि सरकार कहते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैटर सब जूडिस है, कोर्ट में पड़ा है, मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कोर्ट का फैसला ना आए। विचाराधीन चल रहा है, विचाराधीन है, कोर्ट के विचाराधीन है, बात अपनी जगह सही भी है। और कोर्ट में और भी कुछ नहीं हो सकता तो ये तो हो ही जाता है कि मसले को आप जब तक चाहें लंबा खींच सकते हैं, लटका सकते हैं,
दो साल, चार साल, पाँच साल, दस साल होता भी है। जी, अगर हम देख रहे हैं हाई कोर्ट में जो अपीलें पड़ी हैं, जो मर्डर केस तक की अपीलें हैं, दस दस साल से पहले कोई अपील नहीं आती सुनवाई पर। तो इस तरह से मतलब अगर इतनी देर लटक जाएगा उस समय उसकी जो रेलिवेंसी है वही ख़त्म हो जाती है, वो जिस बात के लिए मसला है वही ख़त्म हो जाता है और सरकार अपने आप को बचाने के लिए कोर्ट का इस्तेमाल करती है। तो ये समस्या बहुत गंभीर है, हमें सबको मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा, अन्यथा देश के लोकतंत्र की बात नहीं, लोगों का जीवन खतरे में है। केवल लोकतंत्र नहीं, जीवन खतरे में, बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में देश में। सही मायने में हमें सोचना पड़ता कि ये देश हमारा ही देश है, ये भारत देश है जिसके लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन दांव पे लगा दिए, अपने जीवन को ख़त्म कर लिया, क्या यही चाहत है, ऐसी ही सरकार है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। ये एक समस्या जो अब निकल कर आई है, ये मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा मौका है सभी राजनीतिज्ञों को। और इसमें जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने सुना भी था कि केंद्र सरकार का कहना है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। मैं मानता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला नहीं है, जब चीज़ बाहर आ गई तो ये सबका मामला है। और केंद्र सरकार को, क्योंकि अपॉइंटमेंट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट जजेस के, सरकार करती है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर से होते हैं अपॉइंटमेंट। तो जब राष्ट्रपति का मतलब है कैबिनेट, हमारी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो है, तो जब केंद्रीय मंत्रिमंडल इनका जो अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति के माध्यम से, ये सारी चीज़ें होती हैं राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं ये सारी चीज़ें, तो ये अलग कैसे हैं, उनका अकेला मसला कैसे है, केंद्र सरकार कैसे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार कर सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि केंद्र सरकार भी इसके बाद सवालों के घेरे में बहुत बुरी तरह से है, उसे भी जवाब देना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये छींटे उस पर भी उड़ेंगे, क्योंकि संविधान को खतरा केंद्र सरकार से भी है, केंद्र सरकार से खतरा है, इसलिए वो अपने आप को बचाना चाह रही है। स्थिति बहुत गंभीर, राजनीति में हूँ और हम लोगों को बहुत सी चीज़ें समाज में देखने को मिलती हैं और एक आम आदमी भी आज की तारीख में देख रहा है कि जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, इन्होंने वाकई में संविधान को ताक पर रख दिया है और जो चाहते हैं अपने हिसाब से, अपनी मनमर्जी से वो सब कर रहे हैं। और ये लोगों की शंका बिल्कुल सही है कि ये भारतीय संविधान को नहीं, मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं। अभी जिग्नेश मेवानी ने युवा हुंकार रैली की, उसमें पूछा भी सरकार से, प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा भी कि आप संविधान चुनना चाहते हैं या मनुस्मृति, लेकिन जितनी भी कार्य प्रणाली है उनकी वो वही है जो मनुस्मृति में है, कि जबरदस्ती जो हम चाहते हैं वो ठीक है, बाकी जो कह रहा है उस वो सब गलत है। तो ये सब उसी को लागू करना चाहते हैं। और हर प्रदेश में देख लीजिए जहाँ जहाँ भी हैं, एक केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े की बात नहीं है, हेगड़े हैं और भी हैं। मैंने देखा कि एक टीवी चैनल पर तो एक मंत्री ने बात करते हुए यहाँ तक कह दिया कि भाई भाजपा जो है वो चमार चूहड़ों की पार्टी नहीं है। जी जी, जब जो एंकर थे उन्होंने कहा कि भाई जो आप कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, आप पे एससी एसटी में जो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, बेहतर ये जितनी जल्दी हो सके आप माफ़ी मांगे, तो फिर उसने माफ़ी मांगे। तो जहाँ इस मांगने का भी तरीका एक बहुत गंदा नहीं, निश्चित देखिए आप किसी को बेइज्जत कर दीजिए उसके बाद माफ़ी मांगिए, और एक व्यक्ति को नहीं आप पूरे समाज को बेइज्जत कर रहे हैं, तो माफ़ी का क्या मतलब होता है जी, है नहीं है। और आप वहाँ एक टीवी चैनल पर बैठ के कर रहे हैं, न्यूज चैनल पर बैठ के आप ये सारा कर रहे हैं, तो इससे इनकी मानसिकता दर्शित होती है। ये चाहते ही हैं कि संविधान बदल जाए और मनुस्मृति लागू हो, लेकिन इस देश के लोग अब बैठे नहीं रहेंगे, इनकी मनमर्जी चलने नहीं देंगे। आने वाला 2019 का जो इलेक्शन है, ये देश की जनता, ये लोग इन्हें बता देंगे और इन्हें सबक सिखा देंगे कि जो संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं आप, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत दूर की बात है, पहले तुम सत्ता में ही आके दिखा देना। लेकिन इन्होंने कहीं भी मनमानी करने में कसर नहीं छोड़ी है, एक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, वो तो उन्होंने कर दिया कि जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पर और उनके भाजपा के और जो नेता हैं उन पे जो भी केस है, उन सबको केस को वापस ले रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वापस ले रहे हैं तो हम भी इस मांग को उठाएंगे। इसी मंच से मैं आपके इस मंच से ही इस बात की शुरुआत करता हूं कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो बेगुनाह हैं, जिन पर जो मुकदमे चल रहे हैं, फिर उन्हें भी वापस लिया जाए। जैसे बहुत सी ऐसी जगह पे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता हैं, उनकी प्रतिमा तोड़ दी गई और फिर उन्हीं लोगों पर
जो बहुजन समाज के लोग हैं उन्हीं पर जो मुकदमे हुए। जैसे कई जगह ऐसे हुआ, जैसे आप जेवर में दयानतपुर में देखें, 21 साल की लड़की के साथ में बलात्कार हुआ, 2016 की ये घटना है, और फिर उसका मर्डर हुआ। उस चक्कर में जब लोग उसकी उसको लाश को लेके अर्थी को लेकर चले, गुस्से में लोग थे, उस समय होता है इस तरह का मोशन, और उन पर जो है सड़क रोकने का मुकदमा बना दिया गया, गुंडा एक्ट उन पर लगा दिया गया, 250 लोगों पर FIR की गई। तो इस तरह की ये जो सारी चीज़ें हैं, जो सब कुछ करी जा रही हैं सारी की सारी चीज़ें, तो हम भी ये कहेंगे कि भैया जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनको आप ज़बरदस्ती आतंकवादी बताते हो, बेगुनाह लोग हैं, नौजवान बच्चे हैं, उन सबको आप रिहा करो, उन सबके खिलाफ भी जो केस हैं उन्हें वापस लो आप नहीं लोगे तो इसके विषय में हम आंदोलन करेंगे। तो ये बात आपकी सही है, ये तो चाह ही रहे हैं कि भाई सत्ता में हैं कि जैसा हो सकता है जितना बढ़िया से बढ़िया अपने पक्ष में कर सकते हैं जितना सब कुछ वो कर रहे हैं।